के अजरिया मशीष वशिष्ठ ने सक्षम योजना के तहत गुहाना मुडलाना कथुरा ब्लॉक में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले टीचरों की बैठक ली और उन्होंने बच्चों की शिक्षा और गुणवत्ता में सुधार करने को कहा। जिला शिक्षा अधिकारी जिले सिंह ने बच्चों को सक्षम न बनाने पर कार्रवाई करने की बात कही। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तीसरी पांचवी सातवीं कक्षा के बच्चों का लर्निंग लेवल बढ़ाने और शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से सक्षम योजना का शुभारंभ कर रखा है, जिसको अमलीजाम बनाने के लिए शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारी पूरी मेहनत करने में जुटे हुए हैं। हरिया सक्षम एजुकेशन के रिगार्डिंग तीनों ब्लॉक्स जो मुलाना कथुरा और गोहाना ब्लॉक, उसमें डीओ साहब और तीनों बीओ साहिबान के साथ मिलकर सभी टीचर्स की जो हिंदी और मैथ्स जो टीच करते हैं तीसरी पांचवीं सातवीं को, उनसे डिस्कस हुआ है, उनकी मीटिंग ली। उसमें ये था कि जो इसको इवेलुएट किया है, जो रिजल्ट हमारा आया था जिसमें हम नियर टू सक्षम थे, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसमें कुछ स्कूलों की परफॉर्मेंस वीक थी। उन स्कूल्स के टीचर से डिस्कस किया, उनकी जो भी कमियां थी उनको फिर दुरुस्त करने के लिए बीओ साहब और डीओ साहब ने गाइडेंस इशू की। न्यूज़ के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।